देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 11 विषय ज्योग्राफी में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप लोगों का 11th बोर्ड परीक्षा अच्छी तरह से जा रहा होगा। तो आप लोग भूगोल विषय में सभी प्रश्नों को हल अवश्य किए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से भूगोल विषय में पूछे गए सभी 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोग मिलान करके निश्चित हो जाएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन एक में हीरोडोटस, ऑप्शन दो इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन तीन गैलीलियो या ऑप्शन चार अरस्तु। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प दो है, इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। जियो और ग्राफर दो शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की गई थी। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? तो ऑप्शन एक में 50%, ऑप्शन दो 60%, ऑप्शन तीन 71%, ऑप्शन चार 80%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। पृथ्वी पर 71% भाग सागर से ढके हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन एक में 30,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन दो में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन तीन में 34,90,342 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन चार में 36,92,263 वर्ग किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवावली पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन एक हिमालय, ऑप्शन दो सतपुड़ा, ऑप्शन तीन अरावली या ऑप्शन चार इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। भारत में हिमालय सबसे युवा वलित पर्वत है, यह दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन दो सतपुड़ा, ऑप्शन तीन गुरु शिखर या ऑप्शन चार हिमालय। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प तीन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। छठा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन दो अंडमान निकोबार, ऑप्शन तीन मालदीव या ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन एक नर्मदा, ऑप्शन दो माही, ऑप्शन तीन सतलज या ऑप्शन चार गोदावरी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का सोग कहा जाता है? ऑप्शन एक में सोन नदी, ऑप्शन दो में कोसी नदी, ऑप्शन तीन में दामोदर नदी या ऑप्शन चार में गंडक नदी। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प दो है, कोसी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ऑप्शन एक में जलोढ़ मृदा, ऑप्शन दो लेटराइट मृदा, ऑप्शन तीन काली मृदा या ऑप्शन चार बन मृदा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो होती है वह जलोढ़ मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा
नदियों के द्वारा लाकर बिछाए जाते हैं या नदियों के द्वारा विकसित की जाती हैं। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ऑप्शन एक चीन, ऑप्शन दो मिस्र, ऑप्शन तीन फ्रांस या ऑप्शन चार ईरान। दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दिए गए विकल्पों में चीन बड़ा देश है। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन एक भूपृष्ठ, ऑप्शन दो मेंटल, ऑप्शन तीन क्रोड या ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ या भूप्रपट्टी कहा जाता है, अतः इसका आंसर ऑप्शन एक सही है। 12वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विकल्प एक सहारा का मरुस्थल, दो में थार का मरुस्थल, तीन में गोबी का मरुस्थल या चार में नामीब मरुस्थल। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? दिए गए विकल्पों में विकल्प एक 13.7 बिलियन वर्ष पहले, विकल्प दो में 3.8 बिलियन वर्ष पहले, विकल्प तीन 4.6 मिलियन वर्ष पहले या विकल्प चार 3.8 मिलियन वर्ष पहले। दिए गए विकल्पों में विकल्प चार इसका सही उत्तर है। पृथ्वी पर जीवन 3.8 मिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। 14वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। अगर सही उत्तर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताएं, ताकि हम बता देना चाहते हैं। विकल्प जो दिया गया है, विकल्प एक में मंगल, विकल्प दो शुक्र, विकल्प तीन बुध या विकल्प चार पृथ्वी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प इसका एक सही उत्तर है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, लोहे की ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यह ग्रह मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। 15वां प्रश्न है, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन एक जेम्स और जेफ्रीज, ऑप्शन दो लाप्लास, ऑप्शन तीन इमैनुअल कांट या ऑप्शन चार चेंबरलिन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। जेम्स जीन्स और जेफ्रीज महोदय के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना को दिया गया है। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका भी उत्तर आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। ऑप्शन एक सूर्य, ऑप्शन दो मंगल, ऑप्शन तीन चंद्रमा या ऑप्शन चार बुध। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। 17वां प्रश्न है, भूकंप की परिमाप को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन एक रिक्टर पैमाने से, ऑप्शन दो मार्केनी पैमाने से, ऑप्शन तीन मापने के पैमाने से या ऑप्शन चार सिस्मोग्राफ से। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प चार इसका सही उत्तर है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिसमें रिक्टर स्केल और मार्केनी स्केल लगे होते हैं। 18वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत अर्थात क्रोड का निर्माण हुआ है किन किन तत्वों के मिलने से? ऑप्शन एक सिलिकॉन व एल्युमिनियम के मिश्रण से, ऑप्शन दो निकेल व मैग्नीशियम के मिश्रण से, ऑप्शन तीन सिलिका व मैग्नीशियम के मिश्रण से या ऑप्शन चार निकेल व लोहे के मिश्रण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, पृथ्वी के जो क्रोड हैं अर्थात आंतरिक परत जो है उसका उसमें सबसे अधिक निकेल और लोहा पाया जाता है, अतः इसे स्वेज महोदय के द्वारा नेफे परत भी कहा गया है। 19वां प्रश्न है, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन एक 1920 में, ऑप्शन दो 1946 में, ऑप्शन तीन 1912 में या ऑप्शन चार 1948 में। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। 20वां प्रश्न है, विशाल सागरीय भाग को वैगनर द्वारा
क्या नाम दिया गया था? वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उसमें दो भागों में बांटा था, एक भाग स्थल भाग और दूसरा जलीय भाग। तो जलीय भाग का क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए पेंजिया, ऑप्शन दो पैंथालासा, ऑप्शन तीन अंगारा लैंड या ऑप्शन चार गोंडवाना लैंड। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। वैगनर महोदय ने सागरीय भाग को, पृथ्वी के सागरीय भाग को पैंथालासा के नाम से संबोधित किया था और इसी पैंथालासा से सभी पांच बड़े महासागरों का निर्माण हुआ है। 21वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन एक टेथिस सागर से, ऑप्शन दो आर्कटिक सागर से, ऑप्शन तीन अरब सागर से या ऑप्शन चार भूमध्य सागर से। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। हिमालय पर्वत वर्तमान समय में जहां स्थित है वहां टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। अगला प्रश्न 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन एक 15.95%, ऑप्शन दो 17.95%, ऑप्शन तीन 20.95% या ऑप्शन चार 25.95%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है, वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाला गैस है वर्तमान समय में। 23वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन एक क्षोभ मंडल, ऑप्शन दो संताप मंडल, ऑप्शन तीन मध्य मंडल या ऑप्शन चार वायुमंडल। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प इसका है ऑप्शन चार, विकल्प चार इसका सही उत्तर है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी खाली घर को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक बांगर, ऑप्शन दो खादर, ऑप्शन तीन रेंगर या ऑप्शन चार तराई। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, वहीं नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन एक कृष्णा, ऑप्शन दो गोदावरी, ऑप्शन तीन कावेरी, ऑप्शन चार महानदी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन एक मानसरोवर झील, ऑप्शन दो गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन तीन बद्रीनाथ, ऑप्शन चार कैलाश पर्वत। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। गंगोत्री हिमनदी से गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख के पास उत्तरकाशी उत्तराखंड में। 27वां प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका भी उत्तर आप लोगों ने लगभग सही दिया होगा। लोगों को अगर उत्तर पता है तो कमेंट में इसका उत्तर अवश्य लिखें। ऑप्शन एक पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दो ओडिशा, ऑप्शन तीन केरल या ऑप्शन चार तमिलनाडु। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। 28वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन एक 600 से 900 मीटर, ऑप्शन दो 400 से 1800 मीटर, ऑप्शन तीन 300 से 400 मीटर या ऑप्शन चार 200 से 250 मीटर के बीच। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। प्रायद्वीप पठार की ऊंचाई लगभग 600 से लेकर 900 मीटर के बीच है। 29वां प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन दो K2, ऑप्शन तीन कंचनजंगा, ऑप्शन चार काराकोरम। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट स्थित है। 30वां प्रश्न है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, मतलब जैव विविधता सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन एक
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन दो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऑप्शन तीन शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या ऑप्शन चार महासागरों में। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। सबसे अधिक जैव विविधता जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, वहां तापमान और वर्षा भी अधिक होती है जिसके कारण जीवों का विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? ऑप्शन एक मनोरंजन के लिए, ऑप्शन दो शिकार के लिए, ऑप्शन तीन पालतू जीवों के लिए, या ऑप्शन चार संरक्षण के लिए। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चार है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण मुख्य रूप से जीवों के संरक्षण के लिए विकसित किए गए हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन एक 90 किलोमीटर, ऑप्शन दो 120 किलोमीटर, ऑप्शन तीन 100 किलोमीटर, या ऑप्शन चार 150 किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? ऑप्शन एक में चूना पत्थर, ऑप्शन दो में ग्रेनाइट, ऑप्शन तीन में बेसाल्ट, या ऑप्शन चार संगमरमर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। और साथी चट्टान दिए गए में चूना पत्थर है, बाकी बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जबकि चौथा विकल्प जो संगमरमर दिया गया है वह रूपांतरित या कायंत्रित मेटामॉर्फिक रॉक्स है। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? भूकंप से तीन प्रकार की तरंगे निकलती है, ऑप्शन एक प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन दो द्वितीय तरंगे, ऑप्शन तीन धरातलीय तरंगे, या ऑप्शन चार इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प दो इसका सही उत्तर है। द्वितीय तरंग जिसे एस तरंग के नाम से भी, सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं, यह तरंग पृथ्वी के तरल अवस्था या पृथ्वी के आंतरिक तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, वही विलुप्त हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। 35वां प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दिए गए विकल्प है, विकल्प एक शनि, विकल्प दो बृहस्पति, विकल्प तीन वरुण, या विकल्प चार अरुण। तो दिए गए विकल्पों में आप लोग अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे। कमेंट में जरूर बताएं कौन सा आप लोगों ने उत्तर दिया है। इसका उत्तर सही उत्तर है विकल्प दो बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। 36वां प्रश्न है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक काल बैसाखी, ऑप्शन दो लू, ऑप्शन तीन व्यापारी पवन, या ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। गर्मियों के दिनों में उत्तरी मैदान में चलने वाली तप्त हवा को लू कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन एक शुक्र, ऑप्शन दो मंगल, ऑप्शन तीन बुध, या ऑप्शन चार पृथ्वी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक सही उत्तर है। शुक्र को सायंकाल का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? ऑप्शन एक जून से सितंबर, ऑप्शन दो मई से जुलाई, ऑप्शन तीन सितंबर से मार्च, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक इसका सही उत्तर है। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के बीच सबसे अधिक वर्षा होती है। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ऑप्शन एक पच्छाप मेघ, ऑप्शन दो स्तरी मेघ, ऑप्शन तीन वर्षा मेघ, या ऑप्शन चार कपासी मेघ। तो दिए गए
विकल्पों में विकल्प दो इसका सही उत्तर है। सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ को अस्थायी मेघ के नाम से जाना जाता है। 40वें और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? ऑप्शन एक प्रातः 11 बजे, ऑप्शन दो दोपहर 12 बजे, ऑप्शन तीन अपराह्न 2 बजे या ऑप्शन चार अपराह्न 4 बजे। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प या सही उत्तर इसका जो दिया गया है वह विकल्प तीन है, अपराह्न 2 बजे पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भूगोल प्रश्न में पूछे गए सभी प्रश्नों को आसानी से मिलान कर लिया होगा और आप लोग यह संतुष्ट हो गए हमें कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।